हम सब कोशिशें करते हैं बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाएं। यहाँ हर व्यक्ति जिंदगी में कोशिश करता है कि बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाए। क्यों करते हो ऐसे बताइए? सब करते हैं, हम आप सब करते हैं। क्यों करते हैं, कारण क्या है बताइए? खास करके पुरुष वर्ग क्यों करते हैं हम ऐसा बताइए कारण? वरना आजकल जो सगे रिश्ते वही संभले नहीं जाते, नए नए रिश्ते कौन बनाए, लेकिन फिर भी बनाते हैं बाहर वालों से। जोर से कहिए क्यों करते हैं? बताइए। सब ऐसे शांत बैठे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। आगे अगर कोई काम पड़ा तो वो मदद करेंगे, है ना? कि कोई भी ऐसा काम पड़ता है जहां हम दिक्कत में हैं तो वो हमारी सहायता करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, छोटे मोटी बातों में पैर नहीं कहती, लेकिन जब सच में कोई बड़ा संकट आता है ना, तो ये जो बड़े बड़े व्यक्तियों से पहचान बनाया है, इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता। सच्ची बात है कि नहीं? कितने भी पहचान बना लो, जब सच में बड़ा संकट आता है तब एक फोन नहीं उठाता। और तब सहायता कौन करता है? जिससे पहचान बनाने में हम एक मिनट नहीं देते, आखिर में सहायता वो ही करता है। तो असल में जो सबसे बड़ा सेठ है उससे पहचान बनाओ, फिर किसी और से पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतने अच्छे कर्म करो, जितना सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, जितना सहयोग कर सकते हो उतना सहयोग करो, जितना दान कर सकते हो उतना दान करो। पर आपके कारण किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, वरना भगवान के पास जाकर आंख कैसे मिलाओगे? क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपने लिए किया जो किया, सिर्फ खुद की जिंदगी सवारी, बाकियों की बर्बाद करी। भगवान से आंख मिलाने लायक तो होने चाहिए ऊपर जाए तो, क्योंकि अभी तो नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, मुझे उनसे एक प्रश्न करना है। जो बार बार ये कहते पूजा पाठ बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, तो आपको पक्का है बुढ़ापा आएगा? पहले ही बुलावा आ गया तो फिर ऊपर जाएंगे, भगवान करेंगे क्या अच्छा काम किया, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया, जल्दी बुला लिया। तो भगवान कहेंगे कि मैंने कोई पेपर थोड़ी साइन कराया था कि इतने उम्र तक तो नीचे रखूंगा ही। मैं तो बार बार कहता हूं अगले पल क्या हो नहीं पता, अगले पल की खबर नहीं है किसी को कि अगले पल क्या होगा, और तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर ली। तो इसीलिए कोई भी काम भविष्य के लिए मत छोड़िए, जो करना है अभी करो। तो गयासुर की कथा हमें यही सिखाती है कि दान किसी भी प्रकार का हो बहुत महत्व रखता है।